Hello everyone. In the series of solving Carnot maps, आज हम four variable यानी चार चरों वाला Carnot नक्शा सीखेंगे समझेंगे. देखिए four variables हैं तो सबसे पहले तो हमें decide करना है कि इसमें कितने cells कितने खाने होने चाहिए. तो कैसे find out करते हैं, पता है आपको formula कि two raised to the power जितने variable हैं, दो की घात चरों की संख्या. तो यहाँ चार variable है दो की घात चार यानी 16 होता है. तो जो कार्नो नक्शा बनेगा उसमें 16 खाने यानी 16 सेल्स रहेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्नो मैप कैसे बनाते हैं 16 सेल वाला वो मैं आपको बताने वाली हूँ. 4x4 का आप सेल्स बनाते हो. ठीक है, तो चार कॉलम और चार रो बन जाते हैं. ठीक है, अब जो नंबरिंग होती है शटर वाला नंबरिंग होता है जैसे पहले भी बताया हुआ है, सेम प्रोसेस है. क्योंकि यहाँ दो रो और दो कॉलम है इसलिए हॉरिजॉन्टल शटर के साथ वर्टिकल शटर भी होगा. ठीक है, तो 8, 9, 10, 11 यहाँ आएगा और फिर 12, 13, 14, 15 आएगा. इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो शटर और नेमिंग कैसे होगी इनकी, A bar, B bar, A bar, B, A B and A B bar, C bar, D bar, C bar, D, C D and C D bar. ये आपका कार्नोट हो गया. ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो ये तो कार्नोट ड्रॉ करने का तरीका है. अभी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो जिस क्वेश्चन में जो सेल नंबर में यहाँ मेंशन्ड है उनमें सब में आपको आउटपुट वन लिखना है. ठीक है, और एसओपी से ही सॉल्व करते हैं जैसे अभी तक हम करते हैं. तो वन आउटपुट वाले सेल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 14 और 15 होगी. ठीक है, तो हमने सब में वन आउटपुट लिख लिया जिसमें भी जो भी सेल नंबर या मेंशन थे. सेम प्रोसेस है जैसे टू और थ्री वेरिएबल में करते हैं. अभी आपको ग्रुप बनाने होते हैं. ग्रुप यहाँ दो के भी बन सकते हैं, चार के बन सकते हैं, आठ के भी ग्रुप पॉसिबल है. तो मुझे एक सबसे पहले यहाँ आठ वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया. इसमें 8 1 एक साथ आ रहा है. फिर ये 4 1 का मेरे पास सेकेंड ग्रुप मिल रहा है, इसको सेकेंड ग्रुप कर लेते हैं. अभी भी 1 1 यहाँ फ्री है, अकेला है, लेकिन आप रोल ओवर वाला ग्रुप इसका बना सकते हो. रोल ओवर पता है आपको, पहले भी यूज किया हमने. तो ये 0 वाला 1 और 8 वाला 1 ये दोनों रोल ओवर होके एक ग्रुप बना लेंगे, इसको हम थर्ड ग्रुप मान सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका ग्रुपिंग होगी. अभी अगला स्टेप क्या होता है कि इन ग्रुप्स में कॉमन वेरिएबल उबेनेस चर ढूंढ के और उनका गुणनफल प्रोडक्ट और फिर सभी ग्रुप्स के लिए उन गुणनफलों का योग यानी सम ऑफ प्रोडक्ट लिख लेते हैं. तो शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रुप से. ये प्रोसीजर हमने फॉलो किया है पहले भी, तो सेम प्रोसीजर है. तो फर्स्ट ग्रुप से शुरू करते हैं. फर्स्ट ग्रुप में आप देखिए सी डी वाली रो में कुछ भी कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ ए बार कॉमन है. इसको इस में दोनों रो में ए बार कॉमन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, तो केवल ए बार ही इसमें कॉमन वेरिएबल है जो हमने लिख लिया. अभी सेकेंड ग्रुप के लिए यहां सी कॉमन है, तो इन दोनों कॉलम में सी कॉमन आ रहा है और इन दोनों रो में डी कॉमन आ रहा है, बस डी और सी. तो बी डॉट सी इसका कॉमन वेरिएबल है. फिर थर्ड ग्रुप आप देखिए, रोल ओवर वाला जो ग्रुप बन रहा है इसमें सी बार डी बार दोनों में है, 0 और 8 दोनों में सी बार डी बार है, साथ में बी बार भी है. तो बी बार सी बार और डी बार का प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, तो सारे कॉमन वेरिएबल के सम प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमने लिख लिए और यही इसका सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बाय यूजिंग अ कार्नो. ओके, अभी हम दूसरा क्वेश्चन समझेंगे जिसमें आपको एक ट्रुथ टेबल दी हुई है, उसको कार्नो मैप से सॉल्व करना है. लेट अस सी. तो अगला जो सवाल है आपका उसमें आपको ये ट्रुथ टेबल सत्यमान सारणी दे रखी है और आपको इसमें
इसके लिए कार्नो मैप ड्रॉ करके उसको रिड्यूस करना है या सॉल्व करना है, सरलीकरण करना है। तो सबसे पहले तो कार्नो नक्शा बना लेते हैं आठ चरों वाला, जैसे कि मैंने अभी समझाया था, सेम प्रोसेस से हम बनाते हैं। मैं ड्रॉ कर देती हूँ उसको। ओके, तो एक कार्नो नक्शा बना लिया। अब इस ट्रुथ टेबल में वो सारे सेल्स जिसमें आउटपुट वन है वो देखेंगे, मैंने ये मार्क कर रखे हैं, ठीक है। और हमें सामने सेल नंबर भी दिया हुआ है, कौन से सेल नंबर के लिए आउटपुट वन है। तो जस्ट हमें सेल नंबर को देख के वन आउटपुट फिल कर रही है इस कार्नो मैप में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जीरो है उसमें आउटपुट वन लेना है, फिर सेल नंबर टू में भी आउटपुट वन लेना है, ये टू में वन लिख दिया हमने, फिर फोर फाइव सिक्स और सेवन आप देख सकते हैं इजिली, तो फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, और उसके बाद टेन से लेकर फिफ्टीन तक सभी में वन है। तो टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, इन सब में आउटपुट आपको वन मिल रहा है, आपको हमने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब हमें ग्रुप बनाने हैं। अगला जो टास्क है हमारा वो क्या है कि हमें ग्रुप्स बनाने हैं। तो एक बार ग्रुप्स बना लेते हैं, एक बार फिर से चेक करेंगे। जीरो टू, फिर फोर नहीं है, फाइव सिक्स सेवन एट है, तो फाइव सिक्स सेवन और एट वन है। उसके बाद टेन से लेकर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सभी में वन है, ठीक है। तो वो हमने कर लिया। फिर प्रॉपर ये फाइव से स्टार्ट हो रहा है फोर से, फोर में तो जीरो ही है, ठीक है। सो यहाँ फाइव में होगा, आफ्टर दैट एट में होगा। ओके, अभी ग्रुप बना रहे हैं, तो एक मुझे दिख रहा है चार वन का ये ग्रुप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये अपना फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा। देन एक मुझे वर्टिकल ग्रुप दिख रहा है वन का, इसको हम सेकेंड ग्रुप बोल सकते हैं। देन एक ग्रुप दिख रहा है ये वाला चार वन, ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप। फिर एक ग्रुप और मिल रहा है अपने को यहां, जिस क्योंकि वन छूट रहा है तो ये ग्रुप आप ले सकते हो, इसमें भी चार वन है, ये फोर्थ ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। देन आप रोल ओवर वाले ग्रुप भी बना सकते हो, ये रोल ओवर वाला एक ग्रुप बन गया, इसको आप फिफ्थ ग्रुप मान लें, और एक ग्रुप आप यहां से भी रोल ओवर का बना सकते हो इन दोनों का, ये है आपके सिक्स ग्रुप। तो इस तरह से हमें काफी सारे ग्रुप्स इसमें मिल गए, ऑलमोस्ट सिक्स ग्रुप्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सारे ग्रुप्स के कॉमन एलिमेंट वापस वही प्रोसेस है, सेम कॉमन एलिमेंट ढूंढने। तो फर्स्ट ग्रुप से शुरू करते, फर्स्ट मतलब ये चार वाला हॉरिजॉन्टल, इसमें ए बी कॉमन है तो मैंने लिख दिया ए बी। सेकेंड जो वर्टिकल ग्रुप है इसमें सी डी बार कॉमन है तो हमने ले लिया यहां सी डी बार। अभी थर्ड ग्रुप हमने किसको माना था, इस स्क्वायर वाले ग्रुप को जिसमें बी कॉमन है और इधर से डी कॉमन है, तो बी और डी यानी बी डॉट डी हमने ले लिया है यहां पर। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में देखिए तो ए कॉमन है और इधर से सी कॉमन है, तो ए डॉट सी हो गया, ठीक है। फिर फिफ्थ ग्रुप पर आते हैं, फिफ्थ ग्रुप में बी बार कॉमन है और सी बार डी बार, इन दोनों में सी बार डी बार भी कॉमन है और बी बार भी कॉमन है, तो बी बार सी बार एंड डी बार। फिर लास्ट एंड फाइनल सिक्स ग्रुप, इसमें आप देखिए सी डी बार दोनों में कॉमन है और बी बार भी कॉमन है, तो बी सी डी बार आ गया। इस तरह से हमारे पास सिक्स टर्म्स मिल गई हैं, लेकिन अभी लास्ट दो टर्म रिड्यूस हो सकती है। कैसे रिड्यूस हो सकती है, ए बी प्लस सी डी बार प्लस बी डी प्लस ए सी, एंड देन इन दोनों में आप देखिए बी बार डी बार कॉमन है, ठीक है। तो मैं दोनों में से बी बार डी बार कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि दोनों में बी बार है और डी बार भी है, तो मैंने क्या किया बी बार कॉमन ले लिया। क्या बचा ब्रैकेट में, सी बार प्लस सी या सी प्लस सी बार, एक ही बात है, सी बार प्लस सी लिखे या सी प्लस सी बार, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है एडिशन तो, और आपको पता है सी बार प्लस सी की वैल्यू होती है वन, तो कुल मिला के जो रिजल्ट हमें मिलता है इसको वन लिख देते हैं, हमें मिल जाता है ए बी प्लस सी डी बार प्लस बी डी प्लस ए सी
प्लस बी बार डी बार। तो ये है आपके कार्नो मैप से इस ट्रूथ टेबल का सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व फोर वेरिएबल कार्नो मैप। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।